अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों, इस वक्त हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमी से, जो कि इस वक्त मौजूद है हम दारुल उलूम देवबंद के अंदर। इस मदरसे को कौन नहीं जानता होगा, ये हिंदुस्तान के अंदर और हालांकि अरब ममालिक के अंदर ये मदरसा दारुल उलूम देवबंद के नाम से पहचाना जाता है। ये काफ़ी पुराना मदरसा है और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये घूमने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। माशाल्लाह यहाँ के बच्चे जहाँ से भी जो भी पढ़ते हैं, कारी बनते हैं, उलमाए किराम बनते हैं, हाफिज़ कुरान बनते हैं, तो उनको एक डिग्री जाती है जिसे कहा जाता है मुफ्ती अब्दुल रहमान कासमी साहब। तो इसके हिसाब से जब कासमी लग जाता है तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ और ये डिग्री दिखा दें, इंसान खुद ही पहचान जाएगा कि हाँ ये बच्चा कहाँ से फारिग हुआ। तो जो हमारे यूट्यूब पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें। और ये देख रहे हैं आप, ये वही देवबंद है, ये पुराना जो कि आप देखते रहते होंगे इंटरनेट पे, ये वही जगह है। ये देखें, हम आपको पूरा देवबंद दारुल उलूम देवबंद दिखाते रहेंगे। और ये सारी यहाँ पर देखें, ये फुलबाड़ी लगी हुई है, ये वही पुराना एरिया है। और बाकी हम आपको पूरा हिस्सा दिखाएँगे, हमारी वीडियो को देखते रहें लास्ट तक। ये देखें, सब वही चीज़ है। तो ये हमारा काबिल होगा जो बन सके, नमक हराम भी है और नमक हराम भी है। तो इस समय हमारे जो मुफ्त के पकड़े जा रहे हैं वो कोई इबारत नहीं मिलेगी, जिसमें सदाकत या किनायत इस तरह के अल्फाज मिलते हैं वही तरह का मफहूम निकलता हो जो गुफ्तगू हो। ये किचन है, इतने बड़े बड़े भवन है, यहाँ रोटी बनती है, ये आटा गोलने की मशीन है, उधर गेहूँ की रोटी चल रही है। ये देखिए माशाल्लाह, कौरमा है, ये शाम का खाना बनाया गया है। ये जगह वो है जो कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर तलबा इकराम के लिए रोटी बनाई जाती है। ये माशाल्लाह तंदूर की रोटी लगी हुई है, तो काफ़ी सारे हैं। ये देखें, ये सब तंदूरी चल रही है, ये तंदूरी चल रही है, सब माशाल्लाह काफ़ी मेहनत हो रही है। ये देख रहे हैं आप हमारे सामने, ये नई दरसगाह तैयार की गई है, जो कि पहले तलबा इकराम पुरानी दरसगाह में पढ़ रहे थे। तो ये बच्चों के लिए माशाल्लाह नई दरसगाह तामीर की गई है। तो इस वक्त जो पढ़ाई नहीं चल रही है, सिर्फ तैयारियां चल रही हैं। ये पार्क बना दिया गया है और ये सामने आप देख रहे हैं एक लाइब्रेरी, उस पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो कि मौलवियत की तालीम दी जाती है, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। ये सारा कुछ ये देखें माशाल्लाह, बच्चे काफ़ी निकल रहे हैं वहाँ पे। और आज जुमा है और ये दूसरा, ये पीछे का हिस्सा है मस्जिद रशीदिया का, ये देखें ये पूरा हिस्सा है। और ये हमारे सामने जा रहे हैं क़ारी वली रहमान साहब और मौलाना सलमान साहब, शरीफ नगरी हमारे दोस्त हैं। तो ये वही लेकर जा रहे हैं जहाँ पे ये तालीम हासिल कर रहे हैं। और इनका माशाल्लाह इस साल आखिरी साल है, मौलवियत पूरी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ, हम दिखाते रहेंगे आपको सारी चीज़ें, हर चीज़ का नज़ारा करते रहेंगे। ये पुरानी दरसगाहें हैं जो कि इनको बंद करके नई तामीर की गई है। ये देखें, सिर्फ अभी काम चल रहा है, क्योंकि मैं पहले 4 साल पहले भी आया था, तो उस वक्त भी काम चल रहा था और इस वक्त भी काम चल रहा है।
तो सिर्फ ये वही लाइब्रेरी है जो कि उलमाए इकराम को पढ़ाया जाता है। ये मस्जिद रशीदिया का पिछला वाला हिस्सा है जो एकदम पीछे। तो हम चल रहे हैं इस वक्त जहाँ पे मौलवियत पढ़ाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हम उसी दारुल देवबंद की बात कर रहे हैं जो कि अभी अभी आपको बताया था। यह है मस्जिद रशीदिया जो कि दारुल देवबंद के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद है और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये समझ लीजिए जैसे एक तरह का ताजमहल है, लोग ताजमहल को देख लें या इस मस्जिद को देख लें तो माशाल्लाह अंदर से काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ आप देख रहे हैं पीछे का नज़ारा, ये मस्जिद के फ्रंट का नज़ारा है। और जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, बने रहिए, हम दिखाते रहेंगे आपको अंदर का नज़ारा। तो इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं दारुल उलूम देवबंद यानी कि सहारनपुर में लगती है और दुनिया का बच्चे बच्चा पढ़ता है इस मस्जिद। तो देखें, दिखाएँगे आपको, देखते रहिए। ये देखें माशाल्लाह, आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरा है, देखें काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ये इधर काम चल रहा है फिलहाल, ये देख सकते हैं आप, उधर सूरज आ रहा है सामने, शायद इसीलिए साफ नज़र ना आ रहा हो। ये देखें माशाल्लाह, तो छुट्टी आए हुए थे, सोचा कि दारुल उलूम देवबंद घूम लिया जाए और यहाँ से बच्चों से, कुछ तलबा इकराम से, कुछ उस्ताद से यहाँ मालूम मुलाकात की जाए। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा है हमें यहाँ आकर के, काफ़ी खुशी हुई। ये मस्जिद रशीदिया का अंदर वाला हिस्सा है, ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, तलबा इकराम यहीं मेहनत भी कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। दोस्तों अब दिखाएंगे हम आपको दारुल उलूम देवबंद की मार्केट जो कि मदरसे के करीब ही काफ़ी अच्छी मार्केट है, लेकिन इस वक्त जो है 3 बज रहे हैं तो सभी लोग आराम में हैं, नमाज़ पढ़ के आराम कर रहे हैं। तो आप देखें माशाल्लाह, वीडियो में आपको मार्केट दिखाएंगे, काफ़ी अच्छी दुकान है, आ जाओ। कानून ना मिलता है, एक टाइम दिलवा देना मुझे। तो देखें सारी मार्केट है, और मार्केट सारी नहीं, देखें तालाब इकराम यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी तालाबे कराम घूम रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी है, तो छुट्टी की वजह से कुछ आराम में है, कुछ रोड पे घूम रहे हैं, कुछ इधर से उधर, यही सिस्टम चल रहा है। चलो, और दारुल उलूम के दूसरी तरफ जो कि रिहाइश है, ये सिस्टम देखें, ये वो है दारुल उलूम की दूसरी तरफ जो कि मेन गेट से वो सामने से रास्ता आ रहा है। और ये इमारतें जो हैं ये सारी माशाल्लाह बच्चों की रिहाइश गाह है, रहने का इंतज़ाम है यहाँ पे, बच्चे रहते हैं, आराम फरमाते हैं। और मैंने आपको मकतब दिखाया था जहाँ पे पढ़ाई होती है, तो आज हम आपको पूरा दारुल उलूम देवबंद का नक्शा आपके सामने होगा। जी हाँ दोस्तों, जीरे के गन्ने का जूस भी है माशाल्लाह, चीज़ हर चीज़ मिलेगी आपको, खाने पीने का पूरा माहौल इंतज़ाम रहता है। Thank you.
देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार मार्केट है यहाँ पे। कपड़ा भी अच्छा अच्छा, टोपी वगैरह, इत्र वगैरह, हर चीज़ यहाँ पे शानदार मिलती है, ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं।